सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों देखो Xiaomi की बहुत पुरानी कहानी है कि फोन एक और नाम अनेक। तो यहाँ पे दोस्तों ये है मेरे पास में फिलहाल ऑल न्यू Redmi Note 11 Pro Plus। इंडिया में इसको कहते हैं Xiaomi 11i Hypercharge 5G। और आज तो इतना सुन लिया है ना, दिमाग से पूरा ऐसा चार्ज हाइपर हो गया है हमारा। तो आज उसमें वीडियो को लाइक और शेयर करते आगे दिखते रहिए। मैं आपसे बात करने वाला हूं इसी ऑल न्यू Xiaomi 11i Hypercharge के बारे में। और हम जानते हैं कि आखिर क्या है पूरी कहानी, जैसे कीमत बहुत ज्यादा वसूली जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ना एक बार हम जल्दी से अनबॉक्सिंग कर ही लेते हैं। वैसे अनबॉक्सिंग तो पता नहीं हमने कितनी बार जो है वो Xiaomi के बॉक्सेस को ओपन किया है, तो आपको ऐसा ही बॉक्स मिलेगा, बस लिखा हुआ अलग होगा 11i है। आपको बताऊंगा पूरी कहानी ना, आपको बड़ा मस्त एकदम ऐसे कहानी सुनकर अच्छा लगने वाला है। ये एक सेक्शन जहाँ पे ऑफकोर्स सिम ट्रे टूल, यूजर गाइड और एक केस आपको मिलेगा। फिर आपको दोस्तों मिलेगी ये एक USB A टू USB C केबल। और फाइनली मिलेगा बहुत ही एक खतरनाक आइटम, 120 वॉट्स वाला ये चार्जर। और ये चार्जर है ये काफ़ी सही लगता है। आई मीन मतलब यू नो, इससे आप लैपटॉप वैपटॉप भी चार्ज कर लो, या मतलब किस तरीके से समझ लो कि यार 120 वॉट्स का है तो ये काम अच्छा किया है। फुल मार्क्स देंगे यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा भैया जो जो नंबर काटे आज इस वीडियो में Xiaomi के ना, उतने कम हैं। बट एनीवेज चलो हम बात करते हैं सबसे पहले इस फ़ोन के बारे में। आपको मिलेगा ये है दोस्तों Xiaomi का 11i Hypercharge। इसको आप Xiaomi का 11i भी कह सकते हो, बिकॉज फोन दिखने में बिल्कुल सेम है, अंदर से बाहर से सब कुछ बिल्कुल सेम है। सिर्फ एक फर्क है और वो है बैटरी में। 11i Hypercharge जो है इसमें है 4500 mAh की बैटरी, जो कि 120 वॉट चार्जिंग के साथ में आती है। और जो 11i है उसमें है 5160 mAh की बैटरी, जो कि 67 वॉट चार्जिंग के साथ में आती है। अदरवाइज एग्जैक्टली द सेम फोन। अब आपको दोस्तों कैसा लगे अगर आप जानो कि यार ये फोन तो Xiaomi 11i Hypercharge है ही नहीं? नहीं, फोन एग्जैक्टली सेम है, लेकिन यहां पर दोस्तों नीचे Redmi लिखा है, बिकॉज ये है Redmi Note 11 Pro Plus। Xiaomi ने क्या किया, Xiaomi को लगा कि यार देखो फोन की कीमत हमको बढ़ानी है, बिकॉज चाइना से इंडिया में कुछ मिनिमम बोलूंगा बेस वेरिएंट में तो 6000 रुपए, और हाई एंड में बोलूंगा तो करीब करीब 4000 रुपए का डिफरेंस है। इंडिया की प्राइस ज्यादा है। अब यार अगर इस फोन का नाम होता Redmi Note 11 Pro या Pro Plus, तो क्या इंडिया में इसकी कीमत हम 28,999 रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते ना, लोग बोलेंगे अरे क्या चल रहा है ये। वैसे लोगों ने तो आज बहुत बोला है, टन 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 जो भरी है भैया चैट सब तरफ जो है वो आई थिंक आपको यही सोचना कि फोन बहुत ज्यादा ओवर प्राइज्ड है, जो कि है। और इसीलिए पूरा वीडियो बन रहा है कि आप समझ लो कैसे स्मार्ट गेम खेला है। तो अभी Xiaomi को चाहिए थे कि यार इसके अंदर कुछ प्रीमियम ब्रांडिंग की जाए। तो किया क्या कि चाइना में जो लॉन्च किया था Redmi Note 11 Pro और Redmi Note 11 Pro Plus, उसको बनाया गंगानदी शक्तिमान, और इंडिया में लेके आ गए Xiaomi 11i और Xiaomi 11i Hypercharge के साथ में। लेकिन ये सब करते करते ना कहीं जो प्राइसिंग है उसके अंदर भी हाइपर लग गया शायद, और ये बन गई हाइपर प्राइसिंग इंडिया में। वैसे यार खैर हम बात करेंगे प्राइस के बारे में दोस्तों आगे। अगर हम बात करें पहले फोन के बारे में ना, तो यहाँ पे आपको ऐसा ही कुछ फोन मिलता है। आपको साइड में दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, पावर लॉक अनलॉक बटन के साथ में वॉल्यूम रॉकर है फोन में। ऊपर हमारे पास में IR ब्लास्टर भी है, हेडफोन जैक भी है, सेकेंडरी माइक्रोफोन भी है, और स्पीकर ग्रिल भी, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों ये आता है सिमेट्रिकल स्पीकर्स के साथ में, जो कि देखो अच्छी जगह पे अच्छा बोल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। काफी अच्छे से आपको वेल राउंडेड सारी के अंदर मिल जाती है। ये दोस्तों बिल्कुल क्लीन साइड है। नीचे हमारे पास में एक हाइब्रिड सिम ट्रे, यूएसबी सी पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और एक और स्पीकर ग्रिल है, अगेन क्योंकि आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। फोन में दोस्तों पीछे ये बहुत बड़ा ऐसा आंखों का छलावा आपको लगेगा अगर ऐसे फोन में बात कर, आपको लगेगा इस फोन के अंदर भैया चार पांच कितने कैमरास गिन लें। ट्रिपल कैमरा है, पांच नहीं है, वो छेद ऐसे बनाए हैं, पांच डिजाइन दिखा दिखा के। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का कैमरा मैक्रो शॉट्स के लिए। फिर एलईडी फ्लैश है, और ये यहाँ पे क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैसे डिजाइन थोड़ा चमका दिया सिल्वर सिल्वर, ताकि देखने में लगे कि मल्टीपल कैमरा आपको ऐसे मॉडल मिल जाता है। काफी दोस्तों स्क्वायर बॉक्सी डिजाइन है फोन में। सामने है एक 6.67 इंचेस का 120 हर्ट्ज वाला AMOLED स्क्रीन। हमारे पास में लगा है यहाँ पे Dimensity 920 प्रोसेसर, जो कि आता है 5G के साथ में। 6 नैनोमीटर का है, काफी सही चिपसेट है, कोई टेंशन नहीं है। 6 और 8 GB के रैम ऑप्शन है, 128 GB
की स्टोरेज के साथ में। अब ये है Xiaomi 11i Hypercharge। आज हमने जो सुना है ये Hypercharge पता नहीं कम से कम 150 बार एक इवेंट में। तो यहाँ पे अब दोस्तों बात करते हैं इस फोन के बारे में, अगर यू नो चीजों को लेकर। तो यार देखो डेफिनेटली एक अच्छा फोन बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। सामने हमारे पास में ये एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है पंचोल स्टाइल में, और अगेन इट्स अ वेल राउंडेड फोन। बट अगर हम बात दोस्तों करें इस फोन की प्राइसिंग को लेके, हाँ उससे पहले चलो एक बार थोड़ी हाइपर बात कर लेते हैं। जो चार्जर दोस्तों है 120 वॉट्स का, ये फोन को 15 मिनट में जीरो से फुल चार्ज करता है, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है, मतलब एक काफी अच्छा फीचर है। अब हाँ इससे बैटरी भी कितना असर पड़ेगा ये एक लॉन्ग टर्म वाली बात हो जाती है, बट हाँ कहीं ना कहीं बहुत एक मेजर कन्वीनियंस है कि आपने फोन को प्लग इन किया और 15 मिनट में फोन फुल चार्ज हो जाता है। अब दोस्तों सीन क्या है कि ये फोन चाइना में लॉन्च किया था Redmi Note 11 Pro के नाम से, जो कि इंडिया में Xiaomi 11i बन के आया है। इतने सारे कंफ्यूजन है, इतने सारे फोन है कि समझ नहीं आता किसको क्या बोलना है, बट चलो समझ लो। 6128 की जो चाइना की दोस्तों प्राइस थी 11i की, वो थी आई थिंक 18,500-700 के आसपास मैक्सिमम। इंडिया में कितने का लॉन्च किया उसको 24,999, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है यार। उसके बाद में जो 8128 वाला ऑप्शन था वो इंडिया में लॉन्च किया है 26,999 का, वो भी चाइना से कुछ 4,000-5,000 रुपए महंगा ही आपको इंडिया में मिल रहा है। उसके बाद में दोस्तों जो 11i Hypercharge है इसके अंदर भी दो वेरिएंट है, इसके अंदर जो 6128 है वो है 26,999 और 8128 जो है वो है 28,999, वो भी अगेन चाइना के प्राइसिंग से अगर आप कंपेयर करते हैं तो 4,000-5,000 रुपए का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब यार देखो ये फोन तो इंपोर्ट भी नहीं हो रहे हैं, ये तो कंप्लीटली इंडिया में, जैसे Xiaomi बोलता है कि इंडिया में बनाए जाएंगे। अब सब कुछ होगा तो यार प्राइसिंग कहने के हम देखते हैं, बाकी ब्रांड्स तो ऐसे होते हैं जो बाहर से कई बार इंडिया में प्राइस मैच कर देते हैं या ऑलमोस्ट सिमिलर लेके आते हैं, थोड़ा बहुत कई बार तो कम प्राइस पे आ जाते हैं फोन। यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई लगती है यार, अब इसका क्या रीजन है आई एम नॉट श्योर, लेकिन क्योंकि ये सब किया और ये सब करना था तो इसलिए फोन का नाम चेंज किया, इसके ऊपर लगाया कि ये Redmi नहीं है Xiaomi है, Xiaomi 11i Hypercharge, और इस नाम से उसने इस फोन को लॉन्च कर दिया है। एग्जैक्ट सेम फोन, बस यहाँ पे Redmi घिस के भी कर लोगे तो क्या खैर चलो, मतलब चेंज कर दिया और Xiaomi 11i की दोस्तों हमें ब्रांडिंग आ गई है। दैट इज इट, ये है इस फोन की पूरी कहानी। फोन बहुत सही लग रहा है, फोन में मैं बोलूंगा कि काफी अच्छा काम किया गया है। अगर आप इस फोन को एज ए नॉर्मल फोन देखेंगे तो बहुत सही है, लेकिन ये फोन Redmi Note 11 Pro और Pro Plus है और इंडिया में आई थिंक वही जो चैट में सब लोग बोल रहे थे कि यार 20,000 प्राइस, बिकॉज दिस इज व्हाट दैट वाज एक्सपेक्टेड। बट जब स्टार्ट ही प्राइस 24,999 से होती है और जाती है 28,999, तो बहुत ज्यादा हो जाता है भाई, ये कम से कम 6,000-5,000 रुपए का बहुत फर्क है। और इस प्राइस में मतलब 6,000 रुपए, मतलब यू नो यू टॉक अबाउट मोर देन 25%, तो वो पता नहीं किस हिसाब से ऑनेस्ट में से आज ऑनेस्ट बोला कि नहीं बोला इवेंट में, आई डोंट थिंक बोला या नहीं बोला, शायद नहीं बोला। फोन अच्छा है, प्राइस ज्यादा हो गई और पता नहीं यार ये इतनी रीब्रांडिंग कर करके अभी कुछ और फोन आएगा, फिर वो पोको का बन जाएगा, हो सकता है यही फोन पोको किसी और नाम से लॉन्च कर देगा या कुछ और चलता रहेगा, यही खेल है और खेल बहुत लंबा चल रहा है दोस्तों, आप इस बात को जानते हो। फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अगर चाहते हो कि इस फोन का मैं अब खैर क्या ही करूंगा, वीडियो तो अपना बन ही चुका है। तो ये फोन अगर आपको लगता है कि एक गिव अवे कॉन्टेस्ट कुछ किया जाए तो वो भी बता दो, वो भी प्लान कर लेते हैं लाइक और शेयर करते हुए वीडियो को। वैसे यार घर में इस वीडियो में बात कर रहा था वो इम्पोर्ट वाली, मैंने फोन को क्या करेंगे, मेरे को जस्ट अभी याद आया, मेरे को लगा बता दूं आपको। अभी जो लेटेस्ट अपडेट दोस्तों आया था वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, Xiaomi जो है वो कुछ 653 करोड़ रुपए का इम्पोर्ट ड्यूटीज का कुछ इवेजन का कुछ एक सीन चल रहा है, वो भी न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है, तो वो भी एक सीन है। अब पता नहीं इस फोन के साथ में क्या एग्जैक्टली इंडिया में बनना है, क्या क्या लगना है, वो तो खैर हम देखेंगे, बट फोन अच्छा है, फोन में कोई दिक्कत नहीं कहूंगा। प्राइस हाइपर के चक्कर में लगता है वो 120 वॉट्स की तेजी मिल गई ना, तो ज्यादा हाइपर हो गया है वो, ऑनेस्ट से बढ़ के विद हाइपर प्राइसिंग ऑफ 24,999 मे बी, क्या पता। तो बस फिलहाल इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।